रामनवमी के पावन अवसर पर रघुवंशी समाज द्वारा भव्य श्री राम रथ यात्रा का आयोजन। श्री राम रथ यात्रा 30 मार्च को दोपहर 12 बजे रघुवंशी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी। आप सभी धर्म प्रेमी जनता सादर आमंत्रित हैं। निवेदक श्री राम जन्मोत्सव समिति इंदौर, सौजन्य से अभिषेक रघुवंशी मित्र मंडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में जयस्तंभ चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनका पुतला दहन किया। इसी बीच पुलिस एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी झूमाझटकी हुई। आखिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले को जला ही दिया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी की सदस्यता निरस्त की है, उसके विरोध में आज गंज वासुदा की कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे जिले में और पूरी गंज वासुदा विधानसभा में हर जगह प्रदर्शन किया जाएगा। बूथ स्तर पर पुतले जलाए जाएंगे। शीघ्र हम गंज वासुदा विधानसभा की 256 बूथों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर के हर वार्ड में धरना दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पे धरना दिया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।